और शिरडी में पूरे 10 महीने के बाद फिर से साई पालकी निकली। हजारों श्रद्धालु सड़कों पर दर्शन करने के लिए मौजूद थे। कोविड के कारण बीते साल 17 मार्च से हर गुरुवार को निकलने वाली साई पालकी बंद थी। साई मंदिर ट्रस्ट ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के साथ पालकी निकाली। साई पालकी देखकर भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता ठाकुर, आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि लाल किले पर 26 जनवरी को उपद्रव का नया और हैरान करने वाला वीडियो अब सामने आ गया है। इसमें उपद्रवी हिंसा की बात करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी में कैद फुटेज साफ इशारा कर रही है कि 26 जनवरी की घटना एक साजिश थी। उनके निशाने पर था लाल किला। बेहद खतरनाक थी उनकी तैयारी। शांति ना क्रांति आ गई है, पहला शांति है फिर क्रांति। गेट तोड़ेंगे ना, चिड़िया खोलेंगे ना, मारेंगे जब प्यार नहीं मिलेगा। हथियार लेकर गए थे उपद्रवी। ये हथियार भी ना ले, मर जाएंगे जब नहीं खोलेंगे। साजिश के कितने और सबूत चाहिए? लाल किले पर 26 जनवरी को मचे तांडव के रोज नए सबूत, नए वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसे वीडियो जो बताते हैं कि उपद्रवियों की भीड़ सिर्फ जोश या जुनून में लाल किले नहीं पहुंच गई थी, उसके पीछे गहरी साजिश थी। उपद्रवी हिंसा की पूरी तैयारी करके आए थे। ये तस्वीरें ठीक लाल किला में ऊंचाई पर मौजूद तिरंगे के पैसेज के करीब की हैं। यहाँ 26 जनवरी को 25 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन ऊपर तक पहुँच गए। उपद्रवियों के सिर पर तो मानो खून सवार था। एक एक करके ये उपद्रवी तिरंगे वाले पैसेज तक पहुंच गए। जाहिर तौर पर उनके निशाने पर लाल किले में सबसे ऊंचाई पर फहरा रहा तिरंगा था। यहां उपद्रवी अपना झंडा लहराना चाहते थे। उपद्रवियों के इरादे खतरनाक थे, ये समझने में पुलिस वालों को जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों पर गोली भी चलाई। गोली चला तू। एक उपद्रवी को गोली लग गई। इसके बाद भी ये बलवाई पुलिस को ललकारते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। प्रदर्शनकारी किसान सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि पुलिस ने फिर भी एहतियात बरतते हुए पैर की तरफ गोली चलाई थी। आकाश प्रीत नाम के शख्स को पुलिस ने बाद में हिंसा में गिरफ्तार किया था। हिंसा और हथियारों के साथ चढ़ाई के दूसरे सबूतों से जुड़ा ये वीडियो लाल किले के बाहर का है। तारीख वही है, 26 जनवरी। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये उपद्रवी वहां पहुंचे ही थे। उपद्रवी लाल किले का गेट तोड़ने की बात कर रहे थे। जरा सुनिए उपद्रवियों की जुबान से कैसे उनके खतरनाक इरादे जाहिर हो रहे थे। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थले अपने आप ही। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। बिल्कुल लाल किले बाहर आ गया। ये गेट और शांति नाथ कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे। शांति नाथ क्रांति आ गई है, पहला शांति है फिर क्रांति। गेट तोड़ेंगे ना, स्टेडियम खोलेंगे ना, मारेंगे जे प्यार नहीं मिलने लगे। मन जो प्यार नाल फिर हथियार है, हथियार है प्यार है फिर हथियार है। असी भी खोलो, शांति से खोलो, खोलो गेट नहीं असी मारेंगे। खोल दो नहीं मारने चल, ठीक है छोड़ दो। जे शांति नहीं खोले तोड़िया चिन्ना को अड़ी मारेंगे। सस्ते कह दे खोल दो, जल्दी खोलो, खोल दो, हथियार भी है कने प्यार, खोल दो प्यार। ये हथियार भी नाल ले, मर जाएंगे जे नहीं खोलेंगे। बस
अरे डंडे तैयार रख लो, डंडे तैयार रख लो, प्यारे फिर हथियार प्यार नाल नहीं खुलेंगे, हथियार नाल खुलेंगे, डंडे मारे सिर च स्टेनिंग ना खोके ना दी मारेंगे जे नहीं मनणगे तां। बेखौफ उपद्रवियों ने यहां एक पुलिसकर्मी को घेर लिया था और उसको लगातार धमका रहे थे। बार बार ये उपद्रवी बता रहे हैं कि उनके पास हथियार हैं। जल्दी खोलो, खोल दो हथियार भी है। गनीमत रही कि पुलिस ने उस दिन हालात को बेहद संजीदगी के साथ संभाला और चोट खाने के बाद भी संयम का रास्ता नहीं छोड़ा, वरना लाल किले पर कुछ ऐसा हो सकता था जिसका दाग कभी नहीं धुलता। ये सारी फुटेज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको जांच के लिए भेजा है। इतना तो तय है कि लाल किले पर हुई घटना सुनियोजित तैयारी और साजिश का नतीजा थी और इसके गुनहगारों को कानून के रास्ते उनके किए की सजा दिलाना जरूरी है। अरविंद ओझा के साथ तनसीम हैदर, आज तक। किसानों पर सियासी घमासान मचा है, सड़क से संसद तक सियासी दावपेच आजमाए जा रहे हैं। अब विपक्ष ने खुलकर मैदान में मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। 10 विपक्षी दलों ने अलग से किसान मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सड़क से संसद तक किसान आंदोलन पर घमासान मचा है, अब सियासत और धारदार होने जा रही है। 3 रोज से लोकसभा और राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर रह रहकर हंगामा हो रहा है। चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही है, लेकिन घूम फिर कर बात किसानों की हो रही है। लेकिन विपक्ष अब चाहता है कि अलग से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो। 10 से ज्यादा विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर किसान मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग की है। विपक्ष के सांसदों ने अपनी चिट्ठी में किसानों को हो रही दिक्कतों का भी जिक्र किया और उनसे नहीं मिलने देने की शिकायत भी की। इससे पहले विपक्षी दलों ने गाजीपुर जाकर किसानों से मिलने की कोशिश भी की थी। और जिस तरह का माहौल हमने देखा वो बहुत चिंताजनक था, और हम सिर्फ किसानों को मिलने के लिए गए लेकिन हमें कोई परमिशन नहीं दी गई, हमें रोका गया, टोका गया। और जो परिस्थिति वहाँ देखी, जिस तरह का माहौल था, वो देश के हित के लिए नहीं है, और हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ सुलह निकले। दिल्ली की सरहदों पर कील बंदी जैसे कदमों को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है। सांसदों के गाजीपुर बॉर्डर जाने के बाद एनसीपी सुप्रीमो पवार ने सरकार को निशाने पर लिया। समस्या हल करने की इनकी तैयारी नहीं, मुझे चिंता है कि ये ऐसी ही परिस्थिति जब आएगी। आज जो शांति से वर्ग किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा तो देश के सामने बहुत ज़बरदस्त संकट आएगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी आज ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। उनके भाषण पर सबकी निगाहें हैं। हो सकता है कि वो अपने भाषण में विपक्ष के सवालों का जवाब दें। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने फिर से एंट्री मारी है, खास करके 3 पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा शून्य के नीचे जा पहुंचा है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। चंद दिनों की हल्की सुस्ती और नरमी के बाद मौसम ने फिर से सर्द तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर भारत में हिमालय के 3 पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमान से सफेद फाहें फिर से गिरने लगी हैं। धरती सफेद चादर की आगोश में है, पारा फिर से गोता लगा रहा है। पहले देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला का मंजर। मनाली में कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ गिरने से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। शिमला में कई दिनों की बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है।
एक ओर जहां मनाली में सैलानियों की मस्ती है, तो वहीं दूसरी ओर शिमला में जेसीबी मशीनों से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही हैं। शिमला और मनाली ही नहीं बल्कि नरकंडा, कुफरी और चैल में भी स्नोफॉल से तापमान में भारी गिरावट आई है। बट एक्सपीरियंस वर्थ वाइल है, मतलब यहाँ आना इट्स लाइक कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। लाइक हमने इतनी बर्फ कभी देखी ही नहीं थी, इतना स्नोफॉल। और जोलांग वैली तक तो आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट बंद हो गए हैं, बट हम लोग अब ट्रैक कर कर आए हैं काफ़ी लंबे रूट से, बट बहुत मज़ा आया यहाँ तक आने में। लोगों में बहुत भारी उत्साह है इस फ्रेश स्नोफॉल होने के कारण, तो हर लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने तरीके से, तो हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। तो यहाँ का एनवायरनमेंट हर प्रकार से हमें बहुत बढ़िया फील हो। उत्तराखंड में भी मौसम बर्फीला हो गया है। चमोली जिले के औली में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, जिससे स्कीइंग के दीवानों के चेहरे खिल उठे हैं। औली में जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। औली में रात का तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक से दो दिन तक बर्फबारी जारी रह सकती है। सिर्फ औली ही नहीं, चमोली के बद्रीनाथ में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर के चारों ओर कई इंच बर्फ जम चुकी है। चमोली के ही हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर में भी बदलते मौसम की वजह से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उधमपुर जिले के मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, जिसके बाद वहां कई इंच तक बर्फ जम गई। इसके अलावा श्रीनगर घाटी और ऊंचाई वाले इलाके जैसे गुलमर्ग और पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -6.4 डिग्री दर्ज हुआ। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है। एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये बर्फबारी हो रही है, खासकर जो ऊपरी इलाके हैं, अपर रीचेस हैं, उनमें बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त पहलगाम के इलाके में हैं। ये एक फेमस हिल स्टेशन है और यहाँ जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बर्फ़ जमी हुई है। इस बर्फ़ की वजह से इन हिल स्टेशन की जो है अट्रैक्शन वो बढ़ जाती है और कई सारे टूरिस्ट जो पर्यटक हैं वो यहाँ का रुख करते नजर आते हैं और साथ ही साथ इस बर्फबारी का मजा लेते हुए भी दिखते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मेट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहेगा और उसके बाद मौसम में सुधार आएगा। कुदरत का इशारा साफ है, अभी कुछ दिनों तक मौसम इन तीनों राज्यों में यूं ही सर्द बना रहेगा, जिसका सीधा असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में होगा। दिल्ली NCR समेत पंजाब और हरियाणा में बारिश हुई और तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। औली से कमल नैन सिलोड़ी, मनाली से मनविंदर अरोड़ा और श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक कदम से क्या महाविकास अघाड़ी सरकार में खटास आ जाएगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि स्पीकर से इस्तीफा दिलवाकर कांग्रेस उनको प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उधर NCP ने कह दिया है कि नया स्पीकर कांग्रेस से ही हो, ये तय नहीं है। हाईकमांड ने मुझे आदेश दिया और उसी का पालन मैंने किया। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद से नाना पटोले के इस्तीफे के बाद तय माना जा रहा है कि वो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं। अब तक ये जिम्मेदारी रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहेब थोराट संभाले हुए हैं। मेरे हाईकमांड ने मुझे आदेश दिया, उसी का पालन मैंने किया हूँ और मुझे लगता है कि पार्टी के हाईकमांड का आदेश का पालन करना कार्यकर्ता करके उसका दायित्व जाता है, वो मैंने पूरा किया। पार्टी जो भी मुझे जवाबदारी देंगे उसको अच्छे से हम पूरा। अब सवाल ये है कि क्या अगला स्पीकर कांग्रेस पार्टी से ही होगा। महाराष्ट्र का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू है। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस स्पीकर का पद अपने ही पास रखना चाहती है, पर NCP ने साफ कर दिया है कि ये फैसला महाविकास अघाड़ी के तीनों दल मिलकर करेंगे। शरद पवार ने आज तक से कहा,
स्पीकर का पद अब चर्चा के लिए खुला है। ये फैसला हुआ था कि स्पीकर की कुर्सी कांग्रेस के पास जाएगी, पर ये फैसला नहीं हुआ था कि वो एक साल बाद इस्तीफा दे देंगे। अब शरद पवार जी का कहना है कि फिलहाल जो स्पीकर का पोस्ट है वो तीनों पार्टियों के लिए खुला है, कोई भी जा सकता है। क्या आपको लगता है वो स्पीकर का पोस्ट अभी भी कांग्रेस के पास ही रहना चाहिए? देखो, तीनों पक्ष के हाईकमांड इसमें डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब तीन पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी तब तीनों पार्टी के हाईकमांड में एक मत हुआ और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना। सरकार में कैसे कैसे पोर्टफोलियो किसके रहेंगे उसका एक डिसीजन हुआ है और मुझे लगता है कि हाईकमांड तीनों बैठ के वो डिसीजन लेंगे। शुक्रिया। तो ये थे नाना पटोले जो बता रहे थे कि इस वक्त फिलहाल पार्टी की तरफ से जो निर्णय लिया है उसी का आदेश का फॉलो करते हुए वो इस वक्त उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।